Redmi K20 Pro वर्सेस Realme X कैमरा टेस्ट कंपैरिजन वीडियोस के अंदर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सी फोटो इंक्लूड कर दूंगा, 182 फोटोग्राफ और 5 से 7 वीडियोस जो 180 पिक्सल्स वाले, लो लाइट वाले, आउटडोर वाले। साथ में हम टेस्ट करेंगे इमेज स्टेबिलाइजेशन, सब कुछ, दोनों मोबाइल की दो दो स्लो मोशन, टोटल 4 स्लो मोशन वीडियोस भी दिखाएंगे। सभी फोटोग्राफ को आप ध्यान से समझिएगा, मैं जिस चीज को आपको बताता हूँ उस चीज पर आप पर्टिकुलर ध्यान रखना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। टेक्निकल गुरु अतुल में आप सबका स्वागत है, मैं हूं अतुल डोबरिया। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आगे का वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जो है 48+13+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है रेडमी K20 Pro के अंदर। अगर यहाँ पर बात करें रियलमी एक्स की तो यहाँ पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का बेस्ट सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ में 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है। अगर हम सेल्फी की बात करें तो K20 Pro के अंदर आपको सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का मिलता है, जहां पर Realme X के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। दोनों ब्रांड्स में काफ़ी अच्छे कैमरा वाले मोबाइल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर टोन और लाइट टोन का ही चेंजेस मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रो मोड मिलता है जिससे आप कलर टोन और लाइट्स जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपोर्ट मोड मिलता है इसके अंदर जिससे आप जो है लाइट्स और कलर टोन जो है बढ़ा सकते हो, तो दोनों में सेम पिक्चर्स भी क्लिक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कलर टोन ज़्यादा मिलता है, तो कलर टोन आप दोनों में चेंज कर सकते हो, लेकिन सेल्फी कैमरा के अंदर कोई भी कलर टोन, कोई भी एक्सपोर्ट मोड नहीं मिलता, इस चीज़ को याद रखना। वहाँ पर आप जो है कलर टोन में कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप जो है बैकग्राउंड बैक साइड में लगे 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में प्रो और एक्सपोर्ट मोड से कलर टोन चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग फोटोग्राफी से। थोड़े से कलर टोन में चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन डिटेलिंग आपको दोनों मोबाइल में मिल जाएगी, आप थोड़ा आराम से सब कुछ जो सारे फोटोग्राफ वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा लाइट्स आ रही है और सभी फोटोग्राफ में आप देख सकते हो नीचे वाटरमार्क ओरिजिनल जो है ट्रेडमार्क आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरी सारी फोटोग्राफ जो है 100% ओरिजिनल होगी, कोई भी काटी हुई या वैसी ऐसी वैसी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स में हमें थोड़ा सा जो है व्हाइटनेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सनलाइट सामने से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो इस कंडीशन में दोनों में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है। थोड़ी सी लाइट हमें ज़्यादा एक्स में मिलती है। अब हम चलते हैं आउटडोर में बाहर की ओर। वहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी दूर से, नज़दीक से। उसके बाद बात करते हैं पोर्ट्रेट में, काफ़ी अच्छी डेप्थ वाली। तो यहाँ पर देख सकते हो K20 Pro के अंदर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड ब्लर मिलती है, उसके बाद ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर। तो K20 Pro के अंदर एक डेप्थ ऑफ फील्ड का पोर्ट्रेट में काफ़ी अच्छा जो है मोड मिल जाता है, जिससे आप जो है बैकग्राउंड में कम ब्लर, ज़्यादा ब्लर या कुछ और ज़्यादा ब्लर जो है कर सकते हो। वहीं पर उसी समय हम देख सकते हो सेल्फी वगैरह, तो एक्स के अंदर आपको थोड़ी सी व्हाइटनेस ज़्यादा मिलती है, लेकिन डिटेलिंग दोनों में सेम मिलती है, ये चीज़ आप याद रखना, नोटिस करना। यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट, पोर्ट्रेट मैंने आपको बताया डेप्थ ऑफ फील्ड जो है K20 में कर सकते हो ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर। अब हम बात करते हैं इस फोटो को ध्यान से देखो, बहुत ही छोटा सा 1 सेंटीमीटर से भी छोटा फ्लावर है, हमने इसको यहाँ पर कट करके लगा दिया, तो दोनों में देख सकते हो डिटेलिंग वगैरह क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने ये दोनों फोटो जो यहाँ कर क्रॉप करके लगा दी, तो इस चीज़ को याद रखना। अब हम बात करते हैं नॉर्मल कलर वाली फोटो, तो दोनों में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है, कलर टोन ज़्यादा कम ज़्यादा प्रो मोड एक्सपर्ट मोड से भी आप जो है करके सेम फोटोग्राफ ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ एक फ्लावर्स कलर फोटोग्राफी की। यहाँ पर ये नॉर्मल पीले कलर का फ्लावर्स वगैरह हो गया, ये हो गया एक रेड कलर के रोज़ का फ्लावर्स, उसके बाद और एक पीले कलर का फ्लावर, तो सब में आपको डिटेलिंग को बहुत ही अच्छी मिल जाती है, कलर टोन का चेंजेस मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ एक कलर टोन, दोनों मोबाइल पे आपको जो है इतने सारे जो कलर टोन देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की साइड में जो है मैजिक बटन, कलर टोन बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर रियलमी एक्स में एक कलर टोन ज़्यादा मिलता है। अब हम बात करते हैं वाइट फ्लावर्स की, तो यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन तो थोड़ी सी K20 मिलती है, लेकिन डिटेलिंग जो है दोनों में अच्छी मिल जाती है। उसके बाद पिंक कलर का फ्लावर हो गया, तो यहाँ पर भी देख सकते हो पत्तों पर थोड़ी सी लाइट से, लेकिन डिटेलिंग दोनों में मिल जाती है। उसके बाद पिंक कलर का फ्लावर, थोड़ी सी कलर ज़्यादा K20 में, वहाँ पर नेचुरल जो है एक्स में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ कलर टोन कम ज़्यादा करके मैं आपको जो फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ, दोनों में कलर टोन कम कर दी तो काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ एक व्यूज़ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो K20 में ज़्यादा हमें कलर टोन देखने को मिल जाता है। जब मैंने 48 मेगापिक्सल का सीधा ऑप्शन क्लिक किया तो कलर टोन कम हो गई, पिक्चर्स हमें काफ़ी अच्छी मिलती है, तो एक 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो सामने बादल हो गए, कुछ घास वगैरह हो गई, तो काफ़ी अच्छी फोटो दोनों में मिल जाती है। बस आपको जो है कलर टोन एक्सपर्ट मोड प्रो मोड का यूज़ करना सीखना होगा, वाइट बैलेंस एक्सपोजर कब ज़्यादा करनी है। तो ये फोटो में भी आप देख सकते हो मैंने एक्स के अंदर लाइट्स और कलर टोन बढ़ा दी K20 की तरह, तो दोनों में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है। उसके बाद ये हल्के व्हाइट पर्पल कलर के फ्लावर, तो इसमें भी आपको जो इतना कलर टोन
और सब कुछ जो देखने को मिल जाएगा। फिर छोटे छोटे फ्लावर्स को मैंने उसको भी कट करके लगा दिया, तो दोनों में फोकसिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑटो फोकस होती है, तो किस चीज़ पर पॉइंट फोकस करता है तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा डिटेलिंग मिलती है। ये ऑटो फोकस के ऊपर आधारित है। यहाँ पर देख सकते हो बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा लाइट्स आ रही, तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है। यहाँ पर ये दोनों फोटो आप देख सकते हो बहुत ही सेम स्लिमिनार देखने को मिलती है। थोड़ी सी लाइट्स हमें एक्स्ट्रा मिलती है क्योंकि सामने से देखिए सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो ये दोनों फोटो बहुत ही अच्छी मिल जाती है। तो इस कंडीशन में एक और फोटोग्राफ हो गई, तो इस कंडीशन में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाएंगी जब लाइट दोनों पर सेम आएगी। यहाँ पर बात करते हैं सामने से सनलाइट आ रही है, तो इस कंडीशन में मैंने दोनों फोटोग्राफ को कट करके लगाया। लेकिन K20 Pro के अंदर थोड़ा सा कलर टोन ज़्यादा मिलता है, तो कलर टोन बढ़ने से थोड़ी सी डिटेलिंग आ जाती है, लेकिन डिटेलिंग एक्स के अंदर भी है। अगर उसको एक्सपर्ट मोड से थोड़ा सा कलर टोन बढ़ा दो तो उसमें भी डिटेलिंग आ जाएगी, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से बैक साइड से सनलाइट्स आ रही है, तो इस कंडीशन में काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर हमने पोर्ट्रेट शॉट क्लिक किया तो ये भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर राइट साइड से सनलाइट्स आ रही है, तो दोनों में काफ़ी अच्छी फोटो यहाँ पर भी मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं मेन सेल्फी कैमरा, सनलाइट सामने, सनलाइट यहाँ पर बैक साइड से आ रही है, तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी सी एक्सपोजर एक्स में थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाती है। वहाँ पर कलर टोन K20 में मिलता है, लेकिन डिटेलिंग दोनों फोटो में अवेलेबल है। यहाँ पर लेफ्ट साइड से सनलाइट्स आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट्रेट फोटो क्लिक की, सामने से थोड़ी सनलाइट आ रही थी, यहाँ पर बैकग्राउंड से लाइट्स आ रही है, उस कंडीशन में भी पोर्ट्रेट क्लिक की, तो एक्सपोजर थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिलता है रियलमी एक्स के अंदर। उसके बाद कुछ एक और शॉट हो गए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जूम टेस्ट की, ये नॉर्मल जो है ऑटो मोड वाली फ़ोटो, उसके बाद 2x जूम, सामने जो फैक्ट्री है 700-800 मीटर दूर है। यहाँ पर लाइट्स को ध्यान में मत लेना क्योंकि बारिश का मौसम है, बादल से लाइट्स कभी आती है कभी जा रही है। तो एक फ़ोटो में क्लिक किया रियलमी एक्स में तो लाइट्स नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दोनों में 10x जूम मिल जाता है। जब मैंने K20 Pro का क्लिक कर रहा था तब लाइट्स थी, तो इस चीज़ को बस नोट करना, बस सिर्फ डिटेलिंग देखना। अब हम बात करते हैं रात के फोटोग्राफी की, इंडोर में LED लाइट्स में दूर से थोड़ा क्लोजअप, फिर एक सेल्फीज हो गया, उसके बाद पोर्ट्रेट फोटो हो गई। तो इंडोर LED लाइट्स में इस मोबाइल में इतनी कंडीशन में क्वालिटी मिल जाएगी। फिर हमने लो लाइट वाली नाइट लैंप वाली फ़ोटो नॉर्मल लाइट चला दी, उसके बाद दोनों मोबाइल के अंदर ऑटो फ्लैश लाइट डाल दी, तो थोड़ी सी फ्लैश हमें ज़्यादा एक्स में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोनों मोबाइल में ऑन कर दी फ्लैश, तो दोनों में काफ़ी अच्छी फ़ोटो मिल जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी की, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी लो लाइट कंडीशन में कुछ फोटोग्राफ मैंने क्लिक की, तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, डिटेलिंग वाली फ़ोटो मिल जाती है। बस उसके प्रोसेसर के अंदर जो ऑटो कलर टोन ऐड किया हुआ है, ऑटो एडजस्टर, वाइट बैलेंस सब कुछ, तो उस हिसाब से आपको जो कलर देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस फोटो के बाद नाइट मोड वाली, तो ये हो गई एक नॉर्मल लो लाइट वाली फ़ोटो। उसके बाद हमने इसमें दोनों में एक नाइट मोड जो है ऑन कर दिया, तो इस कंडीशन में ऐसा व्यू मिला। यहाँ पर रियलमी के अंदर थोड़ा सा हमें जो है पीला टोन मिलता है जिससे जो है नॉइस गायब हो जाती है, और K20 Pro के अंदर थोड़ी सी वाइटनेस मिलती है जिससे हमें पिक्चर जो है नेचुरल दिखती है लेकिन नॉइस गायब नहीं हो पाती है। तो ये दोनों में इतना फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन आप इस चीज़ में नोट कर सकते हो दोनों में काफ़ी अच्छी पिक्चर देखने को मिलती है। येल्लो टोन की वजह से रियलमी थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तो दोनों में काफ़ी अच्छी फोटो मिलती है, थोड़ा सा कलर टोन का फर्क है बस। अब हम दोनों मोबाइल की जो सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वॉइस भी आपको जो इसी मोबाइल से मिल रही है, दोनों मोबाइल से बारी बारी से मिल रही है। पहले हम बात करेंगे इमेज स्टेबिलाईजेशन की। अभी आप देख सकते हो सामने से सनलाइट काफ़ी मेरे चेहरे पर आ रही है इस लाइट कंडीशन में, तो ये हो गया इनका इमेज स्टेबिलाईजेशन आप देख सकते हो सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग में। अभी सनलाइट ठीक सामने चेहरे पर आ रही है, सनलाइट जो लेफ्ट साइड से आ रही है, सनलाइट आप देख सकते हो बैक साइड से आ रही है, तो इस कंडीशन में आपको इतना व्यू जो देखने को मिल जाएगा। आज थोड़ी पवन भी थोड़ी तेज है, तो थोड़ी सी आपको उसकी जो है नॉइस वगैरह मिल सकती है, लेकिन आप वॉइस क्वालिटी जो है चेक कर सकते हो दोनों मोबाइल में बारी बारी से। तो ये होगी इनकी सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे मेन कैमरा रिकॉर्डिंग से, 1080 पिक्सल वीडियो। ये हो गया इस दोनों मोबाइल का जो इमेज स्टेबिलाईजेशन, इतना आपको जो देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया इनकी पिक्चर्स क्वालिटी वगैरह, तो आप इसमें नोट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एक्सपोजर की। तो ये हो गया इनका एक्सपोजर वगैरह।
अब हम बात करेंगे ऑटो फोकस की। तो ये हो गया इनका ऑटो फोकस। ऑटो फोकस दोनों में लगभग ऑलमोस्ट सेम मिलता है, काफ़ी फास्ट मिलता है, आप इस चीज़ को जो है देख सकते। रात के समय इंडोर लाइट्स, एलईडी लाइट्स की वीडियोग्राफी है। तो इतना रिजल्ट जो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्लो मोशन की। ये दोनों मोबाइल की 120 FPS पर स्लो मोशन वीडियोज है। अगर K20 Pro की स्पेशल स्लो मोशन वीडियो देखना चाहो तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो स्पेशल कैमरा टेस्ट उसकी भी देख सकते हो। मैंने 75 वीडियो जो अपलोड की थी तीनों जो स्लो मोशन वाली, तो यहाँ पर आप देख सकते हो K20 Pro में, Realme X के अंदर। Realme X में थोड़ा सा कलर ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर मैं आपको एक और सलाह दूंगा, बड़ी स्क्रीन पर अगर देखना चाहो तो देख लो, क्योंकि वहाँ से आपको थोड़ी सी डिटेलिंग और ज़्यादा जो बेटर देखने को मिल सकती है। किस मोबाइल में कितनी क्लियरिटी आपको पसंद आती वो आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाई देगी। ये दूसरा वाला जो है 240 FPS का स्लो मोशन वीडियो है। मैं यहाँ पर 960 FPS इसलिए वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि K20 Pro के अंदर 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड का दो अलग अलग ऑटोमेटिकली जो है शूट जो है रिकॉर्ड होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको जो आज नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि वो शूटिंग करते टाइम वीडियो जो है ख़राब हो गई, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन K20 Pro की 960 FPS वाली बहुत सी वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। दो दिन बाद मैं आपको, दो चार दिन बाद जो है Realme X की स्पेशल कैमरा टेस्ट, स्लो मोशन कैमरा टेस्ट दिखाऊंगा, जिसके अंदर बहुत से वीडियोज़ जो इंक्लूड कर दूंगा। तो उसका आप थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद आप जो है फ्रेम ड्रॉप या कुछ होता है कि नहीं वो सारी डिटेलिंग आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। पर अभी आप देख सकते हो फ्रेम ड्रॉप कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। बहुत से लोगों का सवाल आता है लेकिन K20 और Realme X यहाँ पर देखिए एडिटिंग में एडिट हो रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देता है, लेकिन दोनों में कहीं पर भी कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है। और कल या परसों आपको नोट 7 प्रो के साथ ये जो Realme X की कैमरा कंपेरिजन वीडियोज मिल जाएंगी। और K20 Pro सेल्फी कैमरा की बात करें तो वहाँ से आपको थोड़ी सी लाइट्स एक्सपोजर कम देखने को मिलती है, जहाँ पर के Realme X के अंदर आपको थोड़ी सी एक्सपोजर ज़्यादा मिलती है। लेकिन एक्सपोजर अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो पिक्चर्स के अंदर जो है नॉइस थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन वाइटनेस काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर थोड़ी सी डार्क फोटो मिलती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने देखा माइक्रोशॉट भी मैंने दिखाया, बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर, उसको भी जूम करके दिखाया, तो दोनों में क्वालिटी सेम है, ओनली कलर्स का चेंजेस मिलता है। और वो कलर्स का चेंजेस अगर हटाना हो, दोनों में सेम चाहिए, तो यहाँ से प्रो मोड यूज़ करो, इसमें आप जो है एक्सपर्ट मोड का यूज़ करो, ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छी पिक्चर्स दोनों में मिल जाती है। दोनों में 48 मेगापिक्सल है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हिसाब से आपको जो ऑटो कलर टोन और जो प्रोसेसर के अंदर जो सेट किया हुआ कलर टोन मिलता है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है, जिससे आपको जो एक ऑटो कलर टोन जो है ऑटो मोड में जो देखने को मिलता है, ऑटो कलर टोन के अंदर सेट किया हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, उस वजह से मिलता है। बाकी दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल का बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। बस आपको कौन सी पिक्चर्स अच्छी लगती है, ज़्यादा कलर टोन वाली, ज़्यादा लाइट्स वाली, जो भी आपको अच्छी लगती हो आप हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, तो इस चीज़ को आप जो नोट कर सकते हो। बाकी दोनों में बहुत ही अच्छी पिक्चर्स मिलती है मेरे ख्याल से। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई K20 Pro अच्छा है तो Realme X वालों को बुरा लगता है, Realme X अच्छा है ये बोलूँगा तो के Redmi वाले बोलते हैं कि आपने गलत बोला। लेकिन सबको एक चीज़ पसंद नहीं होती, किसी को चाय पसंद होती है, किसी को कॉफ़ी पसंद होती है, बस ऐसी चीज़ होती है। किसी को कलर टोन और लाइट वाली अच्छी इमेज लगती है, किसी को डार्क और डिटेलिंग वाली अच्छी लगती है, तो बस यही इसलिए जो है चेंजेस होता है, कोई ज़्यादा चेंजेस दोनों में देखने को नहीं मिलता है। आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा ये कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और जितने लोगों ने कमेंट्स के अंदर पूछा कि भाई K20 Pro बाय करूँ या Realme X, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप सारे टेस्ट वगैरह देख लो। हाँ, दोनों में प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कैमरा के अंदर दो तीन एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देखने को मिलता है उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से, बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पर पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, अब तक का बहुत ही बेस्ट प्रोसेसर जो कहा जाता है वो मिलता है। यहाँ पर जो है नॉर्मल प्रोसेसर है 710, लेकिन इसके अंदर भी आप जो गेम्स प्ले सब कुछ जो है बहुत ही आसानी से HD में प्ले होता है, और वहाँ पर भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इसमें पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, कैमरा भी इसका भी अच्छा है, इसका भी कैमरा अच्छा है। बस आपको नोट ये करना है कि आपको बाय कौन सा करना है। बैटरी के अंदर देखा जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं, यहाँ पर सिर्फ 300 mAh बैटरी कम है। जो भी मोबाइल लेना हो आप आराम से सोच समझ कर ले लो, बाय कर लो, जो भी आपको पसंद हो। और स्टोरेज वेरिएंट, प्रोसेसर, ये चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो आपको जो एक अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। तो चलिए आज की कैमरा टेस्ट यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।